हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एनबी क्लासेस। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में हिंदी का एक पाठ है रक्त चंदन, उसका मैं आज आपको सारा प्रश्न उत्तर और साथ में ही व्याकरण बोध बताऊंगी। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन जोर दबाएं, तभी आपको मेरा आने वाला हर एक अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके प्रश्न उत्तर से। प्रश्न क, महमूद गजनवी कहाँ से और क्यों भारत आया था? उत्तर है, महमूद गजनवी गजनी से भारत में दौलत लूटने के इरादे से आया था। प्रश्न ख, बलकरन सुजान के घर क्यों गया था? उत्तर है, बलकरन सुजान के घर दूध लेने गया था। प्रश्न ग, सैनिकों का ग्रामीणों के घरों में घुसने का क्या प्रयोजन था? उत्तर है, सैनिकों का ग्रामीणों के घरों में घुसने का प्रयोजन सोना चांदी लूटना था। प्रश्न घ, तैमूर के गांव में आने की खबर पाकर भी कल्याणी घर छोड़कर ग्रामीणों के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उत्तर है, वह बलकरन के बिना नहीं जाना चाहती थी। सोचिए का मैं प्रश्न उत्तर बता रही हूँ। प्रश्न क, वीरता और साहस के लिए कोई उम्र नहीं होती, आप क्या सोचते हैं? उत्तर है, वीरता और साहस वे गुण है जो जन्म से ही मिलते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक लोगों के उदाहरण देखने को मिलते हैं जो उम्र में छोटे होते हुए भी वीरता और साहस बड़ों के मुकाबले कहीं अधिक थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, बाजीराव, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य आदि। जीवन में वीरता और साहस दिखाना केवल आत्मरक्षा में ही आवश्यक नहीं है, अपितु मानव हित में करना भी उचित व कल्याणकारी है। सच्ची वीरता वही है जो असहायों की सहायता करे। प्रश्न ख, क्या दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है? सोचकर बताइए। उत्तर है, दूसरों को आपदा या संकट से बचाना तो साहस है ही, साथ ही सत्य वचन का पालन करना, सत्य लिखना और सत्य कर्म करना भी एक प्रकार का साहस है। हमारे मन, वचन और कर्म में जब सत्य का पोषण होता है, वही साहस है। निर्भय होकर अत्याचारी के सामने डटे रहना भी साहस का ही एक रूप है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न गौ की तरफ। पाठ के आधार पर बताइए कि आप किस तरह का जोखिम उठाएंगे और क्यों। आपके जोखिम और बलकरन के जोखिम में क्या अंतर है? उत्तर है, जीवन में जैसी स्थिति और परिस्थिति होती है वैसा ही जोखिम उठाना पड़ता है। अगर जोखिम में लाभ हानि का विचार किया जाता है तो वह जोखिम उठाना नहीं है, वह तो निरी अवसरवादिता है। उम्र के अनुसार जोखिम उठाने में अनुभव की बड़ी भूमिका होती है। मेरे द्वारा उठाए गए जोखिम में अनुभव का अहम योगदान है। बलकरन ने जो जोखिम उठाया था उसमें साहस और वीरता की विशेष भूमिका थी, जिसने तैमूर जैसे क्रूर शासक को भी प्रभावित कर दिया था। मैं आधुनिक परिवेश में रहता हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना, अन्याय का विरोध करना आदि मेरे लिए जोखिम उठाने जैसे है, और ये बलकरन के उस समय के जोखिम से एकदम भिन्न है। संक्षेप में उत्तर लिखिए। चलिए आगे इसका मैं प्रश्न बताती हूँ। बलकरन की 12वीं वर्षगांठ पर कल्याणी क्या क्या करना चाहती थी? उत्तर है, बलकरन की 12वीं वर्षगांठ पर कल्याणी अपने प्यारे बेटे को नहलाकर, चंदन लगाकर, फूलों की माला पहनाना चाहती थी। कल्याणी ने अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी बनाई थी और वह उसे खीर बनाकर भी खिलाना चाहती थी। वह अपने बेटे को ढेर सारा आशीर्वाद भी देना चाहती थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न ख की तरफ। सुजान के घर बलकरन क्यों सुरक्षित था? उत्तर है, सुजान का घर खास रास्ते से हटकर दूर कोने में था। तैमूर और उसके सैनिकों के सीधे रास्ते में नौ पड़ने के कारण बलकरन वहां सुरक्षित था। प्रश्न गौ, तैमूर कौन था? वह किस बात के लिए कुख्यात था? कुख्यात मतलब बदनाम। उत्तर है, तैमूर एक लुटेरा था, वह हत्या और लूटपाट करने के लिए कुख्यात था। प्रश्न गौ, बलकरन ने तैमूर से क्या मांगा? उत्तर है, बलकरन ने तैमूर से उसके गांव से शीघ्र ही चले जाने की मांग की। प्रश्न अंगो, तैमूर अपने सरदार पर क्रोधित क्यों हुआ?
उत्तर है, तैमूर ने अपने सैनिकों को मिठाइयां खाते हुए देखा तो वह उन पर क्रोधित हुआ। उसे लगा कि उसके सिपाही अपने लूटपाट करने के उद्देश्य को भूलकर खाना ढूंढ रहे हैं। दो नंबर, विस्तार से उत्तर लिखिए। प्रश्न को, तैमूर के आने की खबर सुनकर गांव में क्या हुआ वर्णन कीजिए। उत्तर है, तैमूर के आने की खबर सुनकर गांव में भयानक शोर हुआ, लोग घबरा गए, उन्हें अपने प्राणों की चिंता होने लगी। ग्रामीण अपने घरों, कीमती सामान और पशुओं को छोड़कर इधर उधर छिपने के लिए जंगल की ओर भागने लगे। प्रश्न ख, तैमूर खूंखार है लेकिन बहादुरी को सलाम करता है, इससे तैमूर के चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है। उत्तर है, ग्रामीणों को तैमूर के बारे में पता था कि वह एक हत्यारा है और लूटपाट करता है, उसके सैनिक बच्चे और बूढ़ों को भी नहीं छोड़ते थे, लेकिन बलकरण की बहादुरी से प्रभावित होकर वह उसकी हत्या नहीं करता और बलकरण की इच्छा का सम्मान करते हुए गांव से शीघ्र ही चला जाता है। इससे पता चलता है कि वह बहादुर है और साथ ही बहादुरी का सम्मान भी करता है। प्रश्न ग, बलकरण की 12वीं वर्षगांठ उसकी अन्य वर्षगांठों से किस तरह भिन्न थी, कल्याणी ने उसकी यह वर्षगांठ किस तरह मनाई। उत्तर है, बलकरण की हर वर्षगांठ पर उसकी माँ उसे नहलाती थी, चंदन का टीका लगाती थी, फूलों की माला पहनाती थी, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाकर खिलाती थी, पर 12वीं वर्षगांठ के अवसर पर तैमूर अपने सैनिकों के साथ गाँव में आया। सभी ग्रामीण घबरा कर प्राण बचाने के लिए जंगल की ओर भाग गए। तैमूर के सैनिकों ने घर की सभी चीज़ों को अस्त व्यस्त कर दिया। बलकरण की माँ की बनाई हुई मिठाइयों को खा गए। तैमूर से बलकरण का सामना हुआ और अंत में तैमूर बलकरण के साहस और वीरता से प्रभावित होकर गांव से चला गया। बलकरण की माँ अपने बेटे को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। उसने आशीर्वाद देकर और बलकरण की अंगुली के रक्त रूपी चंदन से टीका लगाकर उसका जन्मदिन मनाया। इसीलिए इस चैप्टर का नाम बच्चों रक्त चंदन रखा गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रश्न घ का क्वेश्चन, बलकरण की किस जिंदा दिली से प्रभावित होकर तैमूर ने बलकरण की जान बख्शी। उत्तर है, बलकरण की बहादुरी और निडरता से भरी बातें सुनकर तैमूर बहुत प्रभावित हुआ था। जब बलकरण ने अपने चाकू की तेज धार से अपनी अंगुली से खून निकाल कर दिखा दिया तो तैमूर उसकी इस बहादुरी से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने बलकरण की जान बख्श दी। प्रश्न अंग, कल्याणी ने ऐसा क्यों कहा, घर घर में ऐसे लाल हो। उत्तर है, बलकरण ने अपनी बहादुरी से तैमूर को अपने गांव से जाने के लिए विवश कर दिया। उसने खूंखार और लुटेरे तैमूर को अपनी वीरता और बहादुरी का कायल बना दिया। बलकरण न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि पूरे गांव की भी रक्षा की, इसलिए कल्याणी ने कहा घर घर में ऐसे लाल हो। आगे बढ़ते हैं व्याकरण बोध की तरफ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और हाँ बच्चों, अगर ये वीडियो आपकी स्टडीज में अगर हेल्प किया हो और मेरी राइटिंग भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अभी एक लाइक कर दीजिए, उससे मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी स्टडीज़ में हेल्प हुआ कि नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं व्याकरण बोध की तरफ। नीचे दिए गए अरबी फारसी शब्दों के लिए मिलते जुलते अर्थ वाले हिंदी शब्द लिखिए। उत्तर है, मकसद, लक्ष्य, जबान, जीभ, वक्त, समय, मुराद, मनोकामना, हुक्म, आदेश, कसूर, अपराध, फक्र, गर्व, हैसियत, स्थिति। आगे बढ़ते हैं नंबर टू की तरफ। इन शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसका उत्तर है और फिर मैंने वाक्य बनाया हुआ है यहाँ। कर्म, कार्य। वाक्य क्या है, तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्रम, सिलसिला। वाक्य है, सभा में सभी छात्र क्रम से बैठे थे। खौ नंबर, चिता, शव दहन का स्थान। पुत्र ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। चिंता, विचार, चिंता करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आगे बढ़ते हैं। गौ नंबर, हरि, भगवान। हे हरि, मेरी रक्षा करो। हरि, हरे रंग की,
हरी सब्जियां स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। घौ नंबर शस्त्र, जिसे पकड़कर प्रहार किया जाए। वाक्य है, युद्ध शस्त्रों से लड़े जाते हैं। शास्त्र ग्रंथ, महाभारत एक पवित्र शास्त्र है। अंगौ नंबर पवन, हवा। वाक्य है, शीतल पवन बह रही है। पावन, पावन का अर्थ है पवित्र, यानी कि वाक्य क्या है, बच्चों का मन पावन होता है। आगे बढ़ते हैं तीन नंबर की तरफ। निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। कौ नंबर, आज वर्षा हो रही है। उत्तर है भूतकाल, कल वर्षा हो रही थी या हुई थी। खौ नंबर, शायद वह आ जाए। भविष्यकाल में बनाना है, वह आएगा। गौ नंबर, सौरभ खेलने गया था। वर्तमान काल में बनाना है, सौरभ खेल रहा है। घौ नंबर, दीदी पढ़ चुकी थी। उत्तर, भविष्यकाल में दीदी पढ़ेगी। अंगौ नंबर, यहाँ से कहाँ जाओगे। उत्तर, वर्तमान काल में बनाना है, यहाँ से कहाँ जाना है। आगे बढ़ते हैं चौ नंबर, कल पापा बाजार जाएंगे। भूतकाल में बनाना है, कल पापा बाजार गए थे। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी राइटिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ प्लीज़ अभी इसे लाइक कर दें। चलिए आगे फोर नंबर में बताने जा रही हूँ, अर्थ के आधार पर वाक्य पहचान कर लिखिए। कौ नंबर, मैं प्रतिदिन घुड़सवारी करता हूँ, विधानवाचक। खौ नंबर, क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है, प्रश्नवाचक। गौ नंबर, अभी दूध नहीं आया है, निषेधवाचक। घौ नंबर, तू दिन दुना रात चौगुना बढ़े, इच्छावाचक। अंगौ नंबर, कहीं कोई आक्रमणकारी न आ जाए, संदेहवाचक। चौ नंबर, मेरे पास आकर बैठो, आज्ञावाचक। छौ नंबर, हाय मेरा बेटा कहाँ गया, विस्मयवाचक। जौ नंबर, अगर मेरा बेटा घर में होता तो सैनिकों के हाथों पकड़ा जाता, संकेतवाचक। पाँच नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। मैं पढ़ देती हूँ, कौ, गांधी जी ने कहा कल आश्रम आना। खौ नंबर, जीवन में माता पिता का स्थान कौन ले सकता है। गौ नंबर, अरे तुम गांधी जी को नहीं जानते। घौ नंबर, तुम देश के लिए काम करो, मैं अभी चलता हूँ, गांधी जी ने जल्दी जल्दी कहा। अंगौ नंबर, छी मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। चौ नंबर, साबरमती आश्रम में बच्चे बूढ़े और जवान सभी आए थे। छौ नंबर, नहीं मेरा आना नहीं हो सकेगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट नंबर सिक्स की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों में सही स्थान पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाइए। कौ नंबर, शाबाश लेकिन मेरी तलवार तुमसे संभल नहीं सकेगी, बच्चे इधर ला। खौ नंबर, हाँ थोड़ी देर पहले ही मैंने इसे तेज किया है। गौ नंबर, वाह तू मुझसे दो हाथ लड़ने का हौसला भी रखता है। घौ नंबर, खामोश गाजी तैमूर से यह नाची सवाल करता है कि तुम कौन हो। अंगौ नंबर, हरगिज नहीं, गाजी तैमूर कसूर को माफ करना नहीं जानता। तो बच्चों ये था रक्त जंदन पाठ का प्रश्न उत्तर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो और आपकी स्टडीज़ में भी ज़रूर हेल्प किया होगा, तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं। मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखें कि आपको कौन से चैप्टर का क्वेश्चन सर चाहिए, मैं कोशिश करूँगी उसे अपने चैनल में लाने के लिए। मेरे चैनल का नाम है NB क्लासेस और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी लिख सकते हैं कि मेरी ये वीडियो अच्छी लगी कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी रहेगा, बाय।